मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उड़ीसा एक आदिवासी इलाका है जहाँ पे लोग जल जंगल जमीन के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी जो ये एविक्शन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया है उसी में सारे ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो काफ़ी आतंकी पैनिक सिचुएशन में है। अभी वो सारे सारे इलाका वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ईस्ट लेकर वेस्ट तक हर डिस्ट्रिक्ट में लोग ये बात कर रहे हैं कि वो कहाँ जाए, लेकिन आदिवासी और अनपारिवारिक आदिवासी ये बोल रहे हैं कि वो लड़ाई करते रहेंगे जो भी डिसीजन आए, लेकिन वो जो ज़मीन उनका है उसको वो नहीं छोड़ेंगे, उनका मरते दम तक वो लड़ेंगे चाहे परिणाम जो भी हो। जंगल उनकी है, जंगल जमी उनकी है, उनसे उनको बाहर क्या जाए, ये कैसा है, ये कैसा कानून है? कानून उनको सुरक्षा के लिए है, कानून उनको मानने के लिए नहीं है। तो अभी एक सबका उम्मीद ये है कि अच्छा ऑर्डर निकले, उनको बेघर ना किया जाए, उनका अपना जंगल जो है उनको वापस दिला जाए और जो गांव की जो ग्राम सभा है वो सही तरह से वो ग्राम सभा को ये निष्पत्ति लेने के लिए फिर अगेन वापस दिया जाए और ग्राम सभा ही निष्पत्ति ले कि उनका डिमार्केशन एरिया कहाँ है, लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे और उनको कैसे जमीन दिया जाएगा। वो IFR बोलो या CFR बोलो, ये वो ग्राम सभा ही तैयार करेगा वो कितना इलाका है, किस किस को कैसे दिया जाएगा, वो ही डिसाइड करेंगे। तो ये लोग की दावा है और लोग अभी तैयार है, अभी पूरा भुवनेश्वर से लेकर पूरा प्रत्येक गाँव से ये लड़ाई शुरू हो गया है। लोग बातें करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, ये आंदोलन को आगे लेंगे, ये अभी जोरदार आंदोलन होता रहे। अभी पिछले दिनों में भुवनेश्वर की राजभवन सामने में एक बहुत बड़ा 5000 लोगों को लेकर आंदोलन हुआ था जहाँ पे उन्होंने गवर्नर को मीट किया, उनको उनको रिकमेंडेशन दिया और गवर्नर ने बोला कि उसके बारे में वो कार्रवाई करेंगे, कुछ गवर्नमेंट को उसके बारे में वो बताएंगे। तो लोग उसको भी उम्मीद में है कि गवर्नर भी इसके लिए क्या राय देते हैं, क्या रिकमेंडेशन उनका लिए काम करते हैं। तो लड़ाई आगे चलता रहेगा और उसमें सिर्फ उड़ीसा नहीं, उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है वो सब उनके साथ जुड़ेंगे और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। वो जंगल जब तक उनके हाथों में नहीं आएगी वो इससे पीछे हटेंगे नहीं, ये उनके दावा है। Thank you.